इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूरज सांवरिया आरटीआई। चंद्रदेव प्रसाद की एक ही सोच, एक ही सपना है, हर घर में सरकारी नौकरी हो जहां बेहतर ढंग से दी जाती है प्रशिक्षण। नामी कंपनी में प्लेसमेंट, ऐसी व्यवस्था है यहां तो आप क्यों जाएं दूसरे यहां। नामांकन आरंभ है फीटर इलेक्ट्रीशियन सीटों पर, पहले आएं और पहले पाएं। आकर्षक उपहार एवं पैकेज के साथ छपरा का विश्वसनीय आईटीआई सुरेश सांवरिया आईटीआई। नामांकन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लॉकडाउन व अनलॉकडाउन के लगभग 100 दिन बीत जाने के बाद भी जरूरतमंदों की मदद में लगे रहे मुखिया संगम बाबा। तरैया के देवैया गांव के दलित पिछड़ा टोलों में सैकड़ों जरूरतमंदों को मुखिया ने राहत सामग्री का पैकेट दिया। अनलॉकडाउन के लगभग 100 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुखिया संगम बाबा जरूरतमंदों को लगातार चिन्हित कर उनको राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य करते रहे। वहीं लगातार कोरोना काल के बिगड़ते हालात में भी संगम बाबा गाँव टोलों में पहुँच कर कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर का वितरण और जागरूकता का कार्य करते रहे। वहीं तरैया प्रखंड के देवरिया गांव के दलित पिछड़ा बस्ती में भी शुक्रवार के दिन मुखिया संगम बाबा ने जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री के सैकड़ों पैकेट का वितरण किया। मौके पर अनिल सिंह, सोनू श्रीवास्तव, मुन्ना राम, आनंद मिलन, सुजीत राम, सुजीत सर, निर्भय राम, सुभाष कुमार, अभय कुमार, अमन राम, तेरस कुमार, दीपक राम, बिरजू राम, चंदन दास, रंजीत राम मौजूद थे। के देवरिया गांव में है, यहाँ पे जो है दलित, महादलित और पिछड़े टोले के लोग यहाँ पे एक जगह हुए हैं। जो ये लोग जो है काफ़ी गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं, काम धंधे बंद है सभी के, जो है लॉकडाउन में रोजी रोजगार बंद है, जिसके चलते काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो है रोजगार के लिए भी काफ़ी लोग ये लोग बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रोजगार के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को, इन लोगों के जो भी हैं घर में सदस्यों को रोजगार मिले ताकि इनकी स्थिति सुधरे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।